हेलो दोस्तों, मेरा नाम यह है नवाब। आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे YouTube के नए अपडेट के बारे में। YouTube ने दो नए अपडेट जारी किए हैं, जिसमें से एक अपडेट हमको मिल चुका है जो है कोपा, चिल्ड्रेंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट कोपा। और दूसरा है कि जिन चैनलों का मोनेटाइजेशन 6 महीने के अंदर नहीं होता है, उन चैनलों को YouTube 1 साल के अंदर अंदर डिलीट कर देगा, उनकी वीडियोस को, उनके कंटेंट को और उनके चैनल को। तो किस तरह से दोनों चीज़ों के हम समझेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोपा के चिल्ड्रेंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऐप के बारे में। तो ये जो एक्ट है, ये किस तरह से किन लोगों पर लागू होता है और कैसी वीडियो बनाने पर हम इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो हम ये पूरी चीज़ें जानेंगे और किस तरह से इस एक्ट को हम अपने वीडियो या चैनल पर लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर ये चिल्ड्रेंस जो चाइल्ड है, चिल्ड्रेंस प्राइवेसी ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, और जो चिल्ड्रेन होता है आखिर वो चिल्ड्रेन किस एज या किस एज बिटवीन एज वालों को हम चिल्ड्रेन कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन 18 साल से कम ईयर का है, वह चिल्ड्रेन की कैटेगरी में आता है। और यूएस की बात करें तो जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन 13 साल से कम उम्र का है, उसे चिल्ड्रेन की कैटेगरी में गिना जाता है। तो यदि आप ऐसी वीडियो बनाते हैं जिनको चिल्ड्रेन देखते हों, या फिर ऐसी वीडियो बनाते हैं जो आपका अडल्ट्रेशन वाला कंटेंट आप यूज़ करते हैं, तो इन दोनों वीडियो में आपको लाजमी है कि आपको ये प्राइवेसी, ये जो नया एक्ट, नया अपडेट आया है, इसे अपनी वीडियो में आप यस या नो करके सेट कर सकते हैं। तो कैसे सेट करेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो और अगर आप इसे सेट नहीं करते हैं तो YouTube आपके साथ क्या करेगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो किस तरह से सेट करेंगे, जैसे मेरी ये विंडो चल रही है, इसमें आप जाएंगे, अगर आप YouTube का डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऊपर जो ये लाइन है, ऊपर लाइन में आपको ग्रीन कलर का शो होगा कि आप ये अपडेट आया है YouTube का और इसे अपने वीडियोस में, अपने चैनल में एक्सेप्ट करें, ऐसे एक्टिवेट करें। तो यहाँ जाके आप डायरेक्ट उसे एक्टिवेट कर सकते हैं पूरे चैनल को। आप चिल्ड्रेंस एक्ट के तहत यस कर सकते हैं तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो चिल्ड्रेन को भी अपीयर होंगी। और अगर आप अडल्ट्रेशन वाला कंटेंट यूज़ करते हैं तो आप जाके नो कर दें। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अडल्ट्रेशन वाला कंटेंट यूज़ करते हैं और आप तब भी आपने यस किया है तो इसकी पेनाल्टी आपको भरनी पड़ेगी। वो पेनाल्टी कैसी होगी, ये इस तरह से होगी, या तो आपकी व्यूज़ कम कर दिए जाएंगे वीडियोज़ में, ऐड हटा दिए जाएंगे, या आपकी वीडियो और चैनल को भी डिलीट किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि YouTube पेनाल्टी कैसे करेगा, और अगर आप इन दोनों अपडेट को अपनी वीडियोस में यूज़ नहीं करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे, YouTube का कहना है, साफ साफ कहना है कि अगर आप ये मेरा जो नया अपडेट है इसे यस या नो नहीं करते हैं तो मैं आपका चैनल बंद कर दूंगा, आपके व्यूज़ कम कर दूंगा और आप में जो एड्स आते हैं उन्हें मैं हटा दूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए लाजमी है इस अपडेट का यूज़ करना यस या नो में। और ध्यान रहे, यदि आप बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं या ऐसी वीडियो बनाते हैं जो बच्चे भी देखते हैं तो आप उन्हें उस वीडियो में या उस चैनल को यस करें, और अगर आप एडल्ट्रेशन वाला कंटेंट यूज़ करते हैं तो आप उसको नो करें, हमेशा नो करते ही रहें, अन्यथा आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। तो अब बात करते हैं जो YouTube का दूसरा अपडेट है कि 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होता है तो YouTube आपके चैनल को, आपके वीडियो को, आपके कंटेंट को YouTube से डिलीट कर देगा। क्यों करेगा, इसमें YouTube ने हमें ये बताया है, YouTube ने अपने जो अपडेट में उसने ये लिखा है कि ऐसे चैनल जिनसे मेरी कमाई नहीं होती है, यह जो चैनल 1 साल से ज़्यादा मोनेटाइजेशन को नहीं पाते हैं, मोनेटाइज नहीं हो पाते हैं, मैं उन चैनलों को, उन चैनल की वीडियोस को, उन चैनल के कंटेंट को डिलीट कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं और नए यूट्यूबर हैं, उभरते हुए यूट्यूबर हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, अगर आपका जो मोनेटाइज है वो 1 साल में नहीं होता है तो आपका चैनल, वीडियो कंटेंट डिलीट किया जा सकता है यूट्यूब के थ्रू। तो 1 साल के अंदर करना ही करना है, अगर नहीं करते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो आप अगर नए यूट्यूबर हैं,
नौसिखिए हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान दें कि किस तरह से वीडियो को मोनेटाइज किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें मोनेटाइज किया जा सकता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से मोनेटाइजेशन को बहुत ही जल्दी पाया जा सकता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, और फिर अगली वीडियो में कोई और सा टॉपिक लेके आते हैं हम यूट्यूब के लिए। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, अगर आपको कोई सुझाव, कमेंट या आप कुछ भी कहना चाहते हैं यूट्यूब से संबंधित, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और जो मेरे अनदर यूट्यूब चैनल है उसका पेज आपको नीचे उसकी लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।